हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल चिली का प्लांट बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट भी है और जब ये फ्रूट्स आ रहे हैं इसमें मिर्चों के, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा प्लांट ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मिर्चों का जितना भी केयर होती है, ये सब जनरली मिर्च के पेड़ों की एक सी इनमें केयर है। तो आइए चलिए इसकी केयर देखते हैं। है ये मिर्च का पौधा, मगर ये बहुत ही खूबसूरत और ऑर्नामेंटल प्लांट लग रहा है। और ये छोटी ही रहेंगी ऐसे ही, और ऐसे ही पकने लग जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसकी जर्नी कैसी थी और ये कितना बड़ा प्लांट है। ये प्लांट होगा करीब 3-4 महीने का होगा, और ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी 30 रुपये में, और इसमें ऐसे ही पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आए थे, जैसे ये वाला दिख रहा है, या ये अभी और आ रहे हैं फ्लावर्स ये पर्पल कलर के, और फिर इनमें ऐसे ही फ्रूट्स आने शुरू हो गए, और ये पूरा भर जाएगा फ्रूट से ऐसे ही। और इसकी केयर बहुत सिंपल है कि इसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी वीक होता है तो बहुत जल्दी इनमें वायरल अटैक्स होते हैं, लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें लीफ माइनर भी हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर प्लांट हेल्दी होता है तो इनमें इन्फेस्टेशन कम होती है। तो इनको हेल्दी रखने के लिए हम लोग कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो कि मिर्च का पौधा बहुत लाइक करता है। तो उनमें से एक फर्टिलाइज़र जो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगी। और इसके बारे में बाकी केयर हम लोग देख लेते हैं कि इसकी केयर बहुत सिंपल है। इसको सन लविंग प्लांट है, जब लगाएं तो ये गमले या टेरेस में अपने बालकनी में, तो ये गमले को आप ज़रूर सन फेसिंग रखें। और इसके अलावा आप इसको पानी का बहुत ध्यान रखना है। पानी तभी डालना है जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। अगर कंटेनर में है तो ये स्पेशल ध्यान है। कंटेनर में बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जब ज़मीन पे लगे रहते हैं मिर्च के पौधे तो ये प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि ज़मीन में जब लगा रहता है तो पानी अपने आप ही नीचे चला जाता है, ड्रेन अपने आप हो जाता है। तो इसके लिए आप वो पॉटिंग सॉइल जो मैंने ली है वो आप ले सकते हैं। इसमें एक पार्ट मैंने सैंड लिया है, एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट गार्डन सॉइल, और एक पार्ट लीफ मोल्ड भी डाला है इसमें मैंने, और साथ में फंगीसाइड डाला है और नीम खली और बोन मील। तो ये बहुत अच्छी इसकी सॉइल बनी है, फर्टिलाइज़र भी इनफ है, और वेल ड्रेनिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सॉइल का सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो वेल ड्रेनिंग हो। अगर सॉइल वेल ड्रेनिंग है तो उसकी प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगी। मेजर प्रॉब्लम्स इनकी ओवर वाटरिंग से ही होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब फर्टिलाइज़र मैं क्या यूज़ करती हूँ। एप्सम सॉल्ट करके एक मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या एप्सम सॉल्ट होता है, ये आपको मिल जाता है, नर्सरीज में भी कई बार मिल जाता है, सीड शॉप में भी मिल जाता है, और ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और इसको मैं हाफ अ टीस्पून करीब 500 ml में मिक्स करके, ये वाटर सॉल्युबल है, इससे आप स्प्रे भी कर सकते हैं, और मैं इसको अभी पॉटिंग सॉइल में डाल रही हूँ। बस ये घुल गया है, अब इसको इसमें पॉटिंग सॉइल में डालेंगे। ये इसके लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, बैंगन के लिए, इसके लिए, टमाटर के लिए, इन सब के लिए मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र मेरे को लगता है। आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट साइड साइड में डाल सकते हैं, या काउडंग मैन्योर भी डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक ही डालें, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। सन में रखें, पानी का ध्यान रखें, बस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।